हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन और आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो नेक पेन है। नेक पेन की जब बात आती है तो दो कंडीशन आती है नेक पेन में कॉमनली, कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। वैसे ये वीडियो जो है मैंने पहले बना लिया था, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैम, ये वीडियो जो आपने बनाया है नेक पेन का, तो इसमें है ना पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैम, प्लीज़ आप दोबारा बनाइए इस वीडियो को। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मुझे वीडियो दोबारा बनाना चाहिए, और क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन भी है। तो नेक पेन की जब बात आती है तो मेनली दो कंडीशन होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाइकल क्या होता है। तो सर्वाइकल जो हमारी स्पाइन होती है उसका सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको सर्वाइकल नाम दिया गया है। इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7, इस तरीके की हड्डियाँ होती है। उन हड्डियों के बीच में स्पाइनल डिस्क होती है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जो हमारे नेक के मूवमेंट्स होते हैं उसको स्मूथली करने में हेल्पफुल होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट, जब नेक पेन स्टार्ट होता है इनिशियली, तब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही प्रॉब्लम होती है। आई मीन मसल्स और लिगामेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है पहले, फिर धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है और कंडीशन वर्स होती जाती है तब और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन इनिशियली मसल्स और लिगामेंट्स ही अफेक्ट होते हैं। तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो मसल्स और लिगामेंट्स वो टाइट हो जाते हैं और वहाँ पे स्पाज़म हो जाता है, हमें मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है और हमें डल पेन होने लगता है मसल्स में। धीरे धीरे हमारा जो अदर जॉइंट्स भी अफेक्ट होने लगते हैं। ये जो प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये प्रॉब्लम है वो यंग एज वालों में होती है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है। डीजनरेशन ऑफ सर्वाइकल जॉइंट एंड सर्वाइकल डिस्क, इन दोनों का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। आई मीन आर्थराइटिस ऑफ द सर्वाइकल जॉइंट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये एज रिलेटेड होता है। ये 45+ वाले हैं वो मोर अफेक्टेड होते हैं, और इसमें एज रिलेटेड वियर एंड टीयर प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल देखा गया है कि ये यंग एज को भी अफेक्ट कर रहा है, यानी कि यंग एज में भी डीजनरेशन स्टार्ट होता है। ओके, बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर की वजह से यंग एज वालों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, इनके कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट सिमिलर हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में, कि क्या कारण है जिसकी वजह से नेक पेन होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो पोस्चर की आती है, क्योंकि पोस्चर जो है, पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम होगी। अगर आपका पोस्चर है वो सिटिंग में सही नहीं है, सोने के टाइम में आपका पोस्चर सही नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सोने के टाइम में अगर आप मोटा पिलो यूज़ करते हैं तो आपको हो सकता है ये। एंड अगर आप सिटिंग में बहुत लंबे टाइम तक लैपटॉप या कंप्यूटर पे गर्दन को झुका के अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपका टीवी बहुत ज़्यादा हाइट पे है और आपको टीवी देखने के लिए नेक को इस तरीके से करना पड़ता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है
तो भी आपको हो सकता है। अगर आपको पहले कोई नेक में इंजूरी हुई है उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आप बहुत स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली फ़ोन का यूज़ करते हैं तो नेक को बेंड करके रखते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती। मतलब ये कि हमारा जो चिन है वो अगर पोक रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले है कि नेक पेन होता है, मसल टाइट हो जाते हैं, स्पाजम सा आ जाता है, एंड हेडेक होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं, एंड कई बार तो वॉमिट जैसा भी लगने लगता है। और कंडीशन अगर वर्स होती जाती है तो क्या होता है कि रेडिएटिंग पेन होने लगता है। रेडिएटिंग पेन मतलब कि कोई ना कोई नर्व है वो कंप्रेस हो रही है, और जो पेन है वो आपका ट्रैवल कर रहा है, या तो आपके हैंड में आ रहा है, आर्म से, फोर आर्म से पूरा हैंड तक आ रहा है, या फिर आपके पीछे मतलब हैंड में भी आ रहा है और आपके पीछे बैक साइड में भी जा रहा है पेन। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है कि नमनेस, टिंगलिंग जैसा सेंसेशन फील होता है, इवन हैंड के मसल्स है वो वीक होने लगती है, और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में प्रॉब्लम आने लगती है। ये वैसे प्रॉब्लम जो है वो कौन सा एरिया अफेक्टेड है और कौन सी नर्व है वो कंप्रेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मसल्स है वो अफेक्ट होती है, और उसके अकॉर्डिंग ये पेन है वो ट्रैवल करता है कि ये इस अंदर की साइड ट्रैवल करता है या बाहर की साइड ट्रैवल करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस है और कौन सा एरिया है वो इन्वॉल्व है। ओके, फिर और कंडीशन ज़्यादा वर्स होती जाती है तो कुछ लोगों में हम्प भी बन जाता है नेक के बैक साइड में, मतलब मोटा सा ऐसे प्रोट्यूड सा हो जाता है, हम्प बन जाता है। ओके, और क्या होता है कि मसल्स की नोट बनने लगती है, ये नेक में, शोल्डर में ये मसल्स की नोट बन जाती है, टाइट हो जाती है वहाँ की मसल्स, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी होने लगती है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आता है हॉट पैक होता है, वो यूज़ करना चाहिए, मतलब गर्म सिकाई करनी चाहिए। अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल है उसमें गर्म पानी डाल के आप सेक कर सकते हैं, जिससे मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। ओके, फिर हम सेकेंड आता है कि पोस्चर करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आपको लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो आपका पोकिंग चिन है, तो उसके लिए आपको चिन को है वो टक करके रखना है। मतलब एवरी 15 और 20 मिनट में आपको अपना चिन है वो इस तरीके से करना है। ओके, एंड आपका जो कंप्यूटर और लैपटॉप है उसकी हाइट भी थोड़ा और ऊंचा आपके आई लेवल तक रखना चाहिए, जिससे आपको नेक है वो बेंड नहीं करनी पड़े। ओके, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस। इसमें स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, जो वो एक्सरसाइजेस भी आपको अपने वर्क प्लेस पर करनी चाहिए एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद में। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स है वो टाइट नहीं होंगी, आपको रिलैक्स रहेगा, आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आता है आइसोमेट्रिक ऑफ नेक मसल्स। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप सिटिंग पोजीशन बनानी है। ओके, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। फिर अगर आप मिरर के सामने करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिरर के सामने करेंगे तो आपको नेक का पोस्चर वो पता रहेगा कि करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि नेक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो
हमारा जो हैंड है उसको फोर हेड पे रखेंगे और नेक को बेंड करने से हैंड से रजिस्ट करना है। ओके देखिए, और 5 सेकेंड्स के लिए हमें होल्ड भी रखना है। ओके तो देखिए कैसे करते हैं, ये हमने रख दिया हैंड फोर हेड पे। वन टू थ्री फोर फाइव, नेक के मूवमेंट को रजिस्ट करना है ओनली। वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। ओके नेक्स्ट है कि हमें नेक को एक्सटेंड करना है और दोनों हैंड से उसको रजिस्ट करना है, यानी कि नेक एक्सटेंशन है वो हमें होने नहीं देना है। ओके तो इसी तरीके से हैंड है वो पीछे, हेड के पीछे ले जाएंगे और हमें मूवमेंट को वो रजिस्ट करेंगे और 5 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड भी रखेंगे। ओके तो स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। फिर से वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, आती है कि हमें जो नेक का जो मूवमेंट है इस तरीके का मूवमेंट, साइड फ्लेक्शन, उसको रजिस्ट करना है। तो वही हमें हैंड का पाम है वो यहाँ ईयर के पास रखना है और नेक हमारी स्ट्रेट रहेगी इस तरीके से, और साइड बेंडिंग को हम रजिस्ट करेंगे और 5 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड भी रखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। ओके फिर हम क्या करेंगे कि दोनों हैंड्स को यहाँ पे चिन पे लगाएंगे और हमें नीचे इस तरीके के मूवमेंट को रजिस्ट करना है, लाइक दिस। रिलैक्स, वही 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखेंगे। ओके ये एक्सरसाइज है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या करना है कि हमें एक हैंड तो हमें पीछे की तरफ ले जाना है और एक हैंड हमें ऐसे हेड पे लाना है और धीरे धीरे हमें नेक को बेंड करना है। हमारे ये जो मसल्स हैं इनमें स्ट्रेचिंग फील होगी। ओके तो करिए बेंड धीरे धीरे। रिलैक्स, इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे। रिलैक्स, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में और आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि वही एक हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा और दूसरा हैंड हमें इस तरीके से हेड पे रखना है और हमारा जो चिन है वो अपोजिट चेस्ट पे होगा और धीरे धीरे हमें बेंड करना है। ये एक्सरसाइज करने से हमें इस साइड में स्ट्रेचिंग फील होगी। ओके इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। रिलैक्स, ओके लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है कि हमारे हैंड्स है वो कमर पे रखना है और हम वो शोल्डर को है वो अपवर्ड ले जाना है, बैकवर्ड देन डाउनवर्ड, ऊपर ले जाना है, पीछे ले जाना है और नीचे लाना है। ओके